के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने नागरिक संशोधन बिल के बारे में जो विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसको स्पष्ट करते हुए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल सभी के लिए समान बिल है, इसे किसी के हकों पर कुठाराघात नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी लोग सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इस मौके पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, महामंत्री चौधरी वेदपाल, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। उसे कहीं न कहीं कोई जायज बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकता। जिस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जेएनयू का जो माहौल है पूरा देश उस माहौल को जानता है, जिस तरह के लोगों का जेएनयू पर कब्जा है। एबीवीपी पर आरोप लग रहे हैं जी। देखिए आरोप तो जब मैं भी छात्र राजनीति में रहा हूँ और छात्र जीवन जिया है, मैं रैणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र रहा, झगड़े मेरे भी हुए, झगड़े सबके हुए, छात्रों के आपस में झगड़ा हुआ है। चूंकि वो दिल्ली में विश्वविद्यालय है इसलिए उसका हाईलाइट थोड़ा ज्यादा किया गया, लेकिन जिस तरह का माहौल वहाँ है, जो एक जिस तरह का एक सिस्टम बना दिया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो आपने जिक्र किया, जिन लोग वहां है वो कहीं ना कहीं लगातार कितनी फीस बढ़ी सबको पता है, 10 रुपए फीस थी, बहुत सालों से नहीं बढ़ाई गई, इस तरह का माहौल वहां पैदा किया गया तो वो ठीक नहीं है। लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, हिंसा को कोई जायज नहीं। स्टूडेंट छात्रों को पीटा गया है। भाजपा देश के संविधान को खिला रही है, भाजपा का निजी स्वार्थ है, वो देश को बांट रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेगी सरकार? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, शैलजा जी दलित हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैंने जिस तरह से पहले कहा कि पहले कानून मंत्री जो पाकिस्तान के जोगिंदर मंडल जी, वो भी दलित थे, उनकी एक बार जीवनी पढ़ लें, हिंदुस्तान में कैसे बैठ रहा है और पाकिस्तान में क्या हुआ, जहां जहां की तरफ इशारा करती हैं उन्हें खुद पता लग जाएगा। मंत्री, तो सर ये जो हिंसा हो रही है ये मानते हैं कि विरोधी कांग्रेस की तरफ से ही हो रही है? मैंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, सब विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं इसको उकसाने का काम किया, उन्होंने करने वाले थे दूसरे थे पॉलिटिकल पार्टी को निकल, लेकिन जनता के सामने जिस तरह से आए वो ठीक नहीं। मंत्री जी आप नाम बता रहे थे कि संस्थाएं जो है हायर करती है प्रदर्शनकारियों को, कार्रवाई भी हुई है, कौन सी संस्थाएं हैं, एक दो के नाम बताएंगे? एक तो पीएफआई है संस्था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर बैन लगाने के लिए भेजा है, शायद ये शुरुआत केरल से हुई थी। सिमी की तरह का सिमी पे एक बैन लगा तो सिमी के लोगों ने नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस पर बैन लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार भेज चुकी है केंद्र सरकार। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।